बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये मैं अपना कुछ ज्वेलरी कलेक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप देख पाए तो, क्योंकि ये इतना मैस मचा हुआ है यहाँ पे इस वक्त कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे दिखाऊँ, क्योंकि मैं आज सब कुछ ज़रा सेटिंग कर रही थी अपने स्टोरेज रखने में, ये सारी चीज़ें अच्छे से अलग अलग करके रखने में। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही दिखा दूँ, क्योंकि फिर बाद में निकालना उफ़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले मैं थोड़े से अपने नेक पीसेस दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं अगर कानों में बहुत छोटे छोटे पहन लूँ तो मैं गले में पहन लेती हूँ। एक ये पीस है जो कि गोल्डन और ग्रीन कलर में, ग्रीन मेरा फेवरेट है, एमरल्ड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोन्स। ये है, ये मैं वैसे कॉमनली नहीं पहनती हूँ, शादी वगैरह में पहनती हूँ। एक ये लॉकेट है जो कि चेन इसकी ब्लैक और गोल्डन कलर में, एक ये है, ये मैंने अभी दरास से रिसेंटली ऑर्डर की थी ये वाली चेन। तो ये जो है ये बड़ी क्लासी लगती है, आप किसी भी ओकेजन पे कहीं नॉर्मली भी पहन सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल, आई थिंक 250 की थी ये। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये एक हार्ट शेप की चेन और लॉकेट है। एक ये मल्टी कलर का है, ये बाहर का है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। एक ये लॉकेट है, मुझे अल्लाह के नाम वाले लॉकेट बहुत पसंद है। एक और है यहाँ पे अल्लाह के नाम वाला लॉकेट जो कि अभी मुझे नहीं मिल रहा है, तो जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है, ये पूरा इस तरह से है और ये मैंने आई थिंक मिलेनियम से लिया था, 600 रुपये का। आपको अगर इस तरह का दिखे तो ये इतनी ही प्राइस में मिलता है, इससे कम रेट में बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। एक ये कुछ चेन्स हैं जो कि तीन तीन चार चार एक साथ जुड़ी हुई होती हैं लेयर्ड में, तो ये उस टाइप की हैं, सब उलझी हुई हैं इस वक्त। ये चोकर है जो कि स्टार शेप में है इस टाइप का, ये मैं बहुत कम पहनती हूँ, शुरू में 2-3 दफ़ा पहना था, इसके बाद बहुत कम पहना है। और ये कुछ चेन्स हैं, कुछ इसके अंदर हैं, बाय द वे ये बहुत कम ज्वेलरी है, बाकी अंदर है, क्योंकि एक साथ मैं इतना कुछ दिखा नहीं सकती। इसमें मैंने ज़्यादातर अपने झुमके रखे हुए हैं, थोड़े छोटे बड़े। एक ये मैंने चेस से लिए थे और आप बिलीव नहीं करेंगे ये 100 रुपीज़ के थे। कभी कभी मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें। एक ये बड़े वाले एयररिंग्स हैं, ये राउंड शेप में, ये झुमके हैं, झुमके मेरे फेवरेट हैं, सबके ही होते हैं। ये ट्रेडिशनल बेसिक झुमके हैं। एक ये मुझे बहुत पसंद हैं जो कि बेल झुमकाज हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये वाले झुमके हैं, ये नॉर्मल मैं ये बहुत पहनती हूँ ये वाली चीज़ें। ये एक छोटे हैं और एक ये है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें कुछ और छोटे झुमके हैं, एक ये वाला झुमके हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा जो ये वाला बॉक्स है, इसमें मैंने ज़्यादातर वो ज्वेलरी रखी है जो कि झुमकों से थोड़ी सी हटकर है, जो कि थोड़ी सी ट्रेंडी है। अब की दफ़ा ईद पे मैंने ये इस टाइप की ज्वेलरी ली थी, उनके झुमके बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा था ईद पे कुछ नया होना चाहिए। मैंने ये एक ये पीस लिया था जो कि बहुत क्लासी लगता है आपके ड्रेसेस के साथ। इसके अलावा ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, ये टेसल एयरिंग है और ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लाइट वेट हैं, आपको लगता भी नहीं कि कुछ आपने हैवी पहना है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हर कलर के झुमके एयरिंग सब कुछ है मेरे पास, ये ग्रीन कलर में है, एक ये रेड में है और एक ये फ्रोजी कलर में हैं और एक ये हैं, ये बेसिक टॉप्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे पाजेब हैं, ये कुछ इस टाइप का है और इसका एक मैं खो चुकी हूँ, ये 2 का पैर था और एक जो है वो मुझसे कहीं गिर गया। ये बेसिक टॉप्स हैं और इसमें ये छोटे छोटे काफ़ी सारे टॉप्स और एयरिंग्स वगैरह हैं, ये भी मैंने अभी ईद पे लिया था, ये पॉम पॉम एयरिंग। ये हैं। इसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो ये पाजेब हैं कुछ, ये वही ट्रेडिशनल पाजेब। इसके अलावा ये है, ये मल्टी कलर में है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे ब्रेसलेट्स हैं यहाँ पे, इस बॉक्स में मैंने सारी अपनी घड़ियाँ और ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं, ये अभी मैंने बकराईद पे रिसेंटली लिए हैं, जो कि अफ़गानी झुमके बहुत ज़्यादा इन हैं, इसके सहारे भी हैं अंदर, सहारों के साथ ही मैंने लिए हैं। और ऑनलाइन ये आपको 1500 से 1200 तक के मिलेंगे, बट मैंने ये 800 रुपये में लिए हैं सहारों के साथ, सहारे इसके अंदर हैं। ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो ये मैंने अभी रिसेंटली लिए थे। इसके अलावा ये मैंने लिए थे, ये वाले मैंने लिए थे अपने भाई की शादी में, और इसके साथ भी सहारे हैं जो कि अंदर है मेरे ख़्याल से, ये इसका टीका है, जो बहुत पसंद है ऐसी ज्वेलरी। और इसके अलावा मैं आपको क्या दिखाऊं, ये वाला पीस मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ट्रेंडी लगता है पहन के हमारे ईस्टर्न आउट
आउटफिट्स पे। सो कि यहाँ पे बहुत अभी मैस मचा हुआ है तो मैं इतना ज़्यादा आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। इस बॉक्स में मैंने सारी वो ज्वेलरी रखी है जो कि मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ, बहुत ओकेजनली पहनती हूँ। सो इसमें ये एक बहुत बड़ी सी एक माला है पिंक वाइट और थोड़े से ग्रे से कलर की, सो ये मुझे बहुत पसंद है। और बाकी उसमें जो शादी की ज्वेलरी है वो मैंने उसमें रखी हुई है, शादी की मतलब जो मुझे शादियों में पहननी होती है वो वाली, मेरी शादी की नहीं वो अलग है। सो ये है। इसके अलावा रिंग्स में ये मैंने अभी रिसेंटली ईद पे ली थी और ये बहुत प्यारा कलर है, आजकल मुझे पता नहीं क्यों इस कलर से इश्क हुआ है। सो ये है, ये थोड़ी सी बड़ी वाली जो रिंग्स है वो मैं ज़्यादातर इतना नहीं पहनती, शादी वगैरह पे ही पहनती हूँ। एक ये शेड भी कलर भी बहुत प्यारा है, मुझे छोटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि एक है यहाँ पे अगर मुझे मिल गई तो, जैसे कि एक ये है और एक और है जो कि मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, छोटी सी है ये रिंग। सो ये एक मुझे बहुत पसंद है। सो ये है ज्वेलरी। इसके अलावा इसमें है कुछ छोटी छोटी सी झुमकियाँ और ज्वेलरी और रिंग्स, इसका सबको अभी मुझे सेट करके रखना है। तो एक और चीज़ जो कि इसमें है, इसमें यहाँ पे नहीं, ये तो ये इसमें एक साइड पे आयतल कुर्सी लिखी है और इसमें या अल्लाह मदद लिखा है, ऐसा मेरे पास एक गोल्डन में भी है। सो ये इस तरह के लॉकेट्स आप अपने पास ज़रूर रखा करें। सो ये है। इसके अलावा मैं आपको जो दिखा रही थी वो ये वाले इयररिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत अच्छा लुक आता है इनका। सो ये है ज्वेलरी, इसको भी मुझे सेट करके रखना है। इसके अलावा ये मैंने आपको शायद अपने एक वीडियो में दिखाया था, ये पूरा पर्ल का नेकलेस है और भी हैं यहाँ पे, ये ब्रेसलेट्स हैं, ये सब अभी मुझे ठीक करना है। ये आप देख लें इनकी क्या हालत हुई भी है, मुझे अभी इसको सबको सही करके मैनेज करके रखना है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो हैं ये चॉकलेट के बॉक्सेस हैं फ्रेर और ऑशर के, तो मैं इसमें ज़्यादातर स्टोर करती हूँ चीज़ें इस तरह के बॉक्सेस में। ये जैसे बॉक्स हो गया, इस तरह के बॉक्सेस में इसको स्टोर कर लेती हूँ और ये इसका कैप भी हो जाता है। इसके अलावा ये परफ्यूम का बॉक्स है जिसमें मैं चीज़ें ज्वेलरी रख लेती हूँ। सो ये वो छोटे छोटे स्टोरेज के आइडियाज़ हैं जिसमें आप रख सकते हैं। एक और ये पाउच है जिसमें पता नहीं क्या है क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता होता अक्सर कि क्या चीज़ें हैं इसमें। मेरी ज़्यादातर बैंगल्स और ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हैं, ये वाली बैंगल्स रखी हैं, ये वाला एक ब्रेसलेट रखा है और रैंडम स्टफ रखा हुआ है इसके अंदर। सो ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, पता नहीं आपको कैसी लगी क्योंकि इतना मैस मचा हुआ है और मैंने इतने बुरे तरीके से दिखाई है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक थम्स अप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट करके बता दिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।